guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about gain of common base PNP and NPN transistor. पिछले लेक्चर में हमने गेन की बात की थी कि किस तरह से NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर में आपका गेन होता है. Now today we discuss कॉमन एमिटर. जो पिछले दो टॉपिक्स थे वहां पर हमने कॉमन बेस की बात की थी. आज हम बात करेंगे कॉमन एमिटर पीएनपी ट्रांजिस्टर पर. पीएनपी ट्रांजिस्टर पर अगर एमिटर को दोनों तरफ कॉमन कर दिया जाए तो क्या होता है. तो बेसिकली आप डायग्राम देख सकते हैं, यही जो है थ्योरी में लिखा हुआ है. यहाँ पर एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग करवाई जाती है और यहाँ पर कलेक्टर बेस नहीं बनेगा, कलेक्टर एमिटर जंक्शन बनेगा आपका बेसिकली. तो बेसिकली देखिए, यह आपको डायग्राम दिख रहा है. आपने देखा होगा कि जो कॉमन बेस था उसमें हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते थे, ठीक है ना. इस तरह से बनाते थे डायग्राम, बीच में बेस होता था, ये एमिटर होता था आपका और ये आपका कलेक्टर रीजन होता था. फिर इसको जो है इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या होता था, बेस कॉमन होता था इस तरफ भी, इनपुट में भी तो आउटपुट में भी. अब जो आपका कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है उसमें जो है एमिटर कॉमन रहेगा, इसलिए हमने इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना दिया है ताकि एमिटर इनपुट में भी आए तो आउटपुट की साइड में भी आए. अब देखिए, तो यहां पर देखो इनपुट जो होगी, इनपुट आपकी क्या रहेगी, यहां पर बेस रीजन रहेगा. बेस रीजन यहां पर इनपुट है और कलेक्टर रीजन तो आउटपुट ही रहेगा. यहां पर आपने एमिटर को कॉमन रखा हुआ है, हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है तो पी एन एंड पी. अब देखिए, बेस रीजन को हमने एमिटर के साथ कनेक्ट किया है और आपको पता है एमिटर बेस जंक्शन ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायसिंग बिकॉज दिस इज द एन टाइप. एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बीबीबी बीबीबी क्यों कहा, क्योंकि ये बेस यहां पर मेजर लिया हुआ है, बेस के साथ अटैच है, ठीक है ना. और पी टाइप को हमने क्या किया है, कलेक्टर एमिटर रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ किया, तो ये आपका बन गया फॉरवर्ड बायसिंग. अब देखो, कलेक्टर एमिटर रीजन यहां पर बना हुआ है, कलेक्टर एमिटर जंक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, ये रिवर्स बायसिंग में. अब देखो, अगर आप एमिटर की तरफ से देखें ना, पी को पी के साथ ही, तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाता है यार, ये तो आपकी फॉरवर्ड ही होगी. आपने जो है कलेक्टर एमिटर रीजन में कलेक्टर का पार्ट देखना होता है कि कलेक्टर को आपने देखना है किससे ज्वाइन है. तो ये पी टाइप है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिवर्स बायसिंग कहलाए. मतलब एमिटर, आपने कलेक्टर रीजन की तरफ देखना भी ये कहां से कनेक्ट है, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी. तो ये डायग्राम है. अब इसकी अगर आप वर्किंग की बात करते हैं ना, वर्किंग बड़ी सिंपल है, फर्क डायग्राम का है और कुछ नहीं है, ठीक है ना. फर्क डायग्राम का होगा, वर्किंग तो वैसी ही रहेगी, वही आएगा. एमिटर करंट इज इक्वल टू आई सी, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होगा वही, बस डायग्राम में डिफरेंस है. अब देखो, आपको पता है ना ये कलेक्टर रीजन है, यहां पर पी है, होल्स हैं, तो ये होल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा, इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वीसीसी के द्वारा ये होल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट हो रहे हैं. और मैंने आपको बताया भी है, जिस तरफ होल मूव करते हैं उसी तरफ करंट की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना. ये सारे यहां पर आ जाएंगे कलेक्टर रीजन के, ठीक है ना, कलेक्टर रीजन के सारे यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है. तो बेसिकली उसके बाद देखो, अब यहां पर कलेक्टर रीजन के तो आ गए सारे यहां पर. अब ये जो पी है आपका, एमिटर है, यहीं से तो एमिट करवाने हैं. अब ये जो एमिटर है आपका, ये है पी टाइप, मतलब यहां पर होल्स माइजॉरिटी कैरियर्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इनको कह सकते हैं कि हमें धक्का लगाएगा. तो ये होल्स आपके एन रीजन में एंटर कर जाएंगे, मतलब कि एन टाइप दैट इज बेस रीजन में आपके एंटर कर जाएंगे. और आपको पता है ये जो बेस रीजन होता है, दिस इज लाइटली डोप्ड, मतलब लेस डोप्ड होता है ये, ठीक है,
लेस डोपिंग होती है, कम इम्प्योरिटीज है। आपको पता है कि अगर 100% यहां से जा रहा है तो ये जो आपको एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, फिर 5% इलेक्ट्रॉन ही, देखो 5% होल्स आपके इन इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर कंबाइन होंगे, बाकी बचे 95% आपके कहां चले जाएंगे, आगे कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे, मतलब होल्स में। फिर ये जो होल्स यहां एंटर करेंगे पीछे से आकर, यही होल्स अगेन अट्रैक्ट हो जाएंगे किसके द्वारा, इस नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा, इस बीसीसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा। तो यहां पर जो करंट कंस्टिट्यूट होगा वो होगा बेटा कलेक्टर करंट आईसी, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको सीधा बताया हुआ है नेगेटिव की तरफ ही करंट आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन इस तरफ, होल्स इस तरफ आएंगे, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होल्स जाएंगे उसी तरफ क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखो बेसिकली क्या होगा, ये जो बेस रीजन है ना, तो ये बेस रीजन देखो आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है तो 5% होल्स आपके इसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे, तो यहां पर करंट कंस्टिट्यूट होगा, दैट इज द बेस करंट आईबी। बेस करंट आईबी, होल्स इस तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं तो होल्स इसी तरफ की डायरेक्ट, होल्स की डायरेक्शन में ही आपका करंट कंस्टिट्यूट होगा। अब देखो यहां से जो इस तरफ जा रहे थे ना, तो यहां एमिटर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, आईई ये इनपुट थी, ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो ये सारा फंडा था आपका किसका, कॉमन एमिटर पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली यहीं पर अगर हम बात करें ना, ये आपका आ गया कौन सा रीजन, ये आपका जो डायग्राम है ये सिंबॉलिकली डायग्राम है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन सारी सिमिलर, बस हमने ब्लॉक की जगह यहां पर सिंबल्स यूज कर लिए। अब नाउ वर्किंग सारी इसी तरह लिखी गई है, अगर आप क्रिचॉप्स लॉ अप्लाई करते हैं, अगर क्रिचॉप्स लॉ इस करंट लूप पर लाई करते हैं, इस पॉइंट पर जंक्शन पर लाई करते हैं, तो देखो आई बी जंक्शन की तरफ आ रहा है, आई सी भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, आई ई जो है बेसिकली भाग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आई ई ही नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये दूर जा रहा है, आई बी और आई सी पॉजिटिव रहेंगे, तो आप लिख सकते हैं माइनस आई ई प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा आई बी प्लस आई सी माइनस का आई ई इस तरफ गया आपका दूसरी तरफ, तो आई ई हो गया, तो आप लिख सकते हैं कलेक्टर एमिटर करंट आई ई इज इक्वल टू बेस करंट आई बी प्लस कलेक्टर करंट आई सी। अब आप ये भी जानते हैं जो आई बी बेस करंट होता है वो सिर्फ 5% होती है एमिटर करंट की, बाकी कलेक्टर करंट आपका 95% होता है। तो ये आपने बड़ा सिंपल था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, बड़े सिंपल से थे। तो इसी तरह एनपीएन का भी होगा, तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे एज अ कॉमन एमिटर। तो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस एंड अ बेस्ट ऑफ लक।